नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। 1 फरवरी को सांसद मार्च नहीं करेंगे किसान। ट्रैक्टर रैली में भड़की हिंसा के बाद किसान आंदोलन कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। बता दें, हिंसा को शर्मनाक बताते हुए दो किसान संगठन ने आंदोलन से अपना रिश्ता तोड़ लिया और बॉर्डर से लौटने लगे। वहीं बुधवार को कई किसान संगठनों ने ट्रैक्टर रैली को लेकर बैठक की। बैठक में किसान नेताओं ने तय किया कि 1 फरवरी बजट के दिन सांसद मार्च नहीं करेंगे। बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर एस राजेवाल ने कहा, शहीद दिवस के दिन हम पूरे देश में सार्वजनिक रैलियां करेंगे, हम एक दिन का उपवास भी रखेंगे। उन्होंने बताया, 26 जनवरी को हुई हिंसा के कारण 1 फरवरी को सांसद मार्च स्थगित कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई जिलों में 28 जनवरी व 29 जनवरी को बारिश हो सकती है। बता दें, मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक राज्य के मध्य तथा उत्तर पश्चिम भागों में 28 को आंशिक बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश की भी संभावना है। बता दें, इसके अलावा 29 को राज्य के दक्षिणी मध्य तथा उत्तर पश्चिमी भागों में बारिश होने की संभावना है। पलामू में टीपीसी उग्रवादियों से पुलिस की मुठभेड़। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के मध्या करमाही जंगल में 26 जनवरी को हुई मुठभेड़ में पुलिस ने टीपीसी के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, इनके पास से एक AK-47 राइफल भी मिले हैं। पुलिस के अनुसार रात करीब 8:30 बजे टीपीसी के हथियारबंद दस्ते के साथ जिला पुलिस एवं झारखंड जगुआर के जवान के मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से करीब 150 राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख उग्रवादी भागने लगे। बता दें, इस पर जवानों ने खदेड़ कर 3 उग्रवादियों को दबोच लिया है। झारखंड में 28 CDPO का प्रमोशन के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड में 28 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का प्रमोशन के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। इसमें 24 CDPO अधिकारियों को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बनाकर विभिन्न जिलों में भेजा गया है। वहीं 4 CDPO अधिकारियों को समाज कल्याण निदेशालय रांची में सहायक निदेशक बनाया गया है। बता दें, इस संबंध में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार के अवर सचिव राजेश्वर नाथ आलोक ने अधिसूचना जारी की है। BSF के 2 पुलिस अधिकारी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित। गणतंत्र दिवस के मौके पर दक्षिण बंगाल फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल के 2 अधिकारियों को राष्ट्र की सेवाओं में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। बता दें, इसमें अजीत टेटे और सुरजीत सिंह गुलेरिया को अवार्ड दिया गया है। बता दें कि अजीत टेटे झारखंड की राजधानी रांची के निवासी हैं और संत जेवियर कॉलेज में वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं। PLFI कमांडर पुनय उरांव की राइफल बरामद। PLFI कमांडर पुनय उरांव के एनकाउंटर के 34 दिन बाद पुलिस ने उसकी AK-47 राइफल बरामद कर ली है। बता दें, हथियार पुनय उरांव के दोस्त एयरपोर्ट रोड निवासी संदीप उरांव के पास से मिला है। घटना को अंजाम देने के बाद हथियार संदीप के घर में ही रखा जाता था। पुलिस ने संदीप के पास से 7.62 mm की 17 चक्र गोलियां, स्विफ्ट कार DG-6218 व MI कंपनी का मोबाइल भी बरामद किया है। हाथी की मौत पर वन विभाग व जिला प्रशासन आमने सामने। पलामू व्याघ्र परियोजना में पालतू हाथी काल भैरव को 2 जंगली हाथियों ने मार डाला है। बता दें, मौत के लिए कौन दोषी है, इस पर अफसरों में जुबानी जंग छिड़ी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, एक दूसरे को हदें बताई जा रही है। बता दें, बरवाडी के प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय के बयान को लेकर वन विभाग और जिला प्रशासन आमने सामने हैं। पलामू बाघे परियोजना के उप निदेशक ने इस संदर्भ को लेकर लातेहार के उपायुक्त को पत्र लिखा है और प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का आग्रह किया है। निशिकांत दुबे की पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने वाले को नोटिस। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की जमीन खरीद के मामले में दायर याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका अनामिका गौतम ने खुद के खिलाफ देवघर में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के खिलाफ दायर की है। सुनवाई के बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले विष्णुकांत झा और किरण देवी को नोटिस जारी किया है। बता दें, इन दोनों को अनामिका गौतम की ओर से दाखिल याचिका में प्रतिवादी बनाया गया है। ऐसे में अदालत इनका भी पक्ष जानना चाह रही है।
झारखंड में 70 नए मरीज मिले हैं, जो रांची से 38, बोकारो से 2, देवघर से 1, धनबाद से 7, पूर्वी सिंहभूम से 11, गढ़वा से 1, गुमला से 1, खूंटी से 2, कोडरमा से 3, रामगढ़ से 1, पलामू से 3 मरीज मिले हैं। बता दें झारखंड में कुल एक्टिव केस 723 है, वहीं झारखंड में कुल मौत की संख्या 1066 है। भारत में 11,365 नए केस मिले हैं, भारत में कुल मौत की संख्या 153,875 है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 170,889 है। लातेहार से नीलगाय के कच्चे मांस व खाल के साथ दो गिरफ्तार। लातेहार जिले के गारू में दो शिकारियों को नीलगाय के कच्चे मांस और खाल के साथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें उनके पास से दो देसी बंदूक भी बरामद किया गया है। बताया गया कि वन प्रमंडल उत्तरी वन क्षेत्र के छिपादोहर वन क्षेत्र के बरखेता जंगल से गुप्त सूचना के आधार पर दो शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। लातेहार में 10 लाख की अवैध शराब जब्त। उत्पाद अधीक्षक शिव कुमार को मिली सूचना के बाद विभाग और जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लाधुब गांव के एक ईंट भट्ठे में तस्करी के लिए छिपाकर रखी गई 150 पेटी अवैध शराब को जब्त किया। बता दें 26 जनवरी के अपराह्न लातेहार उत्पाद अधीक्षक और पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी मदन कुमार शर्मा की टीम सूचना स्थल लाधुब गांव पहुंची। लोहरदगा में महिला कॉलेज का उद्घाटन 9 करोड़ की लागत से हुआ है निर्माण। राज्यपाल झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को लोहरदगा में 9 करोड़ की लागत से बने महिला कॉलेज का उद्घाटन किया। बता दें लोहरदगा बेड़ो मुख्य पथ में सेना प्रखंड अंतर्गत बरही में बने इस कॉलेज के उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अलावा मंत्री रामेश्वर उरांव, सांसद सुदर्शन भगत, विधायक चमरा लिंडा भी मौजूद रहे। इससे पहले राज्यपाल के आगमन और कॉलेज भवन के उद्घाटन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की गई थी। झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेजों में नामांकन नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की नोटिस। झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेज में सत्र 2020-21 में नामांकन पर रोक लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन और राज्य सरकार को 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें राज्य के छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को यह बताने को कहा है कि नीट में सफल इन छात्रों का नामांकन क्यों नहीं किया जा रहा है। बंगाल विश चुनाव लड़ेगा झामुमो, सीएम हेमंत आज करेंगे झारग्राम में सभा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जोर लगाने के लिए गुरुवार को झारग्राम में रैली करेगा। बता दें झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारग्राम की रैली को संबोधित करेंगे। अब तक के कार्यक्रम के अनुसार राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन भी पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। स्वदेश लौटने पर हॉकी चैंपियन बेटियों का झारखंड ने किया स्वागत। चिली दौरे पर गई जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम बुधवार को हिंदुस्तान वापस आई। बता दें यह टीम चिली में 6 मैच खेली और प्रतियोगिता में 5-0 से अपराजय रही और चैंपियन रही। इस टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ी थे, सुषमा कुमारी, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुगडुग। तीनों खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर भारत को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बता दें भारतीय टीम की ओर से प्रतियोगिता में कुल 18 गोल हुए, जिसमें 10 गोल इन 3 खिलाड़ियों ने किया है। स्वदेश लौटने के बाद तीनों खिलाड़ी अपने गृह राज्य झारखंड वापस आए। यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया होगी पूरी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को रांची विश्वविद्यालय के क्रिएटिविटी सेंटर का उद्घाटन किया। बता दें मौके पर राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी में शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या में कमी की बात स्वीकार करते हुए कहा कि जल्द ही रिक्त पदों को भर लिया जाएगा और प्रोन्नति देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्यपाल द्रौपदी ने मास कम्युनिकेशन विभाग के लिए क्रिएटिविटी सेंटर के उद्घाटन के बाद कहा कि कल से इसका उपयोग शुरू हो जाएगा। 14वें वित्त आयोग कर्मी संघ के प्रतिनिधियों ने शिबू सोरेन से मुलाकात की। 14वें वित्त कर्मी संघ के द्वारा लगातार धरना जारी है। बता दें बुधवार को भी दोनों HEC गेट बंद रहा। संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार के द्वारा कोई भी सूद नहीं लिया जा रहा है। इस कारण संघ के प्रतिनिधि शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे और ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिबू सोरेन के द्वारा बताया गया कि अगर आप सभी कार्य कर रहे थे तो नई बहाली क्यों। इस पर जब कर्मी संघ के द्वारा जानकारी दी कि विभागीय सचिव के द्वारा बताया गया है कि किसी भी नियम से
इन सभी की संविदा अवधि विस्तार नहीं की जा सकती है। बता दे इस पर शिबू सोरेन ने बताया कि नियम सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं, नियम अलग से नहीं होता एवं उनके द्वारा बोला गया कि इन सभी बातों पर वह मुख्यमंत्री से बात करेंगे। धनबाद DDC ने की जिला गंगा समिति की बैठक। DDC दशरथ चंद्र दास की अध्यक्षता में बुधवार को मिश्रित भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में बुधवार की शाम जिला गंगा समिति की बैठक हुई। मौके पर उन्होंने कहा कि गंगा की सहायक दामोदर एवं बराकर नदी जिले के जिस जिस प्रखंड से गुजरती है वहां जन भागीदारी के साथ दोनों नदियों को स्वच्छ रखने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार अभियान, पदयात्रा, साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली घटना के लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार, बादल पत्रलेख। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इस घटना के लिए केंद्र सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री को जिम्मेवार बताया। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगे अनसुनी करने का काम प्रधानमंत्री ने किया है, ऐसे में किसान अपना आपा खो बैठे हैं। पिछले 2 माह से लगातार आंदोलन करने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी जाने से किसान के अंदर गुस्सा था या फूट पड़ा। देवघर से 17 साइबर गिरफ्तार। देवघर पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा की साइबर अपराधियों पर सिकंजा कसने की मुहिम जारी है। बता दें पुलिस ने पिछले कई घंटे लगातार कई स्थानों पर छापेमारी कर 17 अपराधियों को धर दबोचा है। इन लोगों के विरुद्ध साइबर थाना में ठगी की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। 3 सालों में राज्य के हर गाँव में नल से पेयजल आपूर्ति। झारखंड जल्द ही पेयजल आपूर्ति के मामले में समृद्ध राज्य बनने जा रहा है। बता दें अगले 3 वर्षों में राज्य के हर गांव में नल से पेयजल आपूर्ति होगी। यह बातें बुधवार को रामगढ़ के गुरु नानक पब्लिक स्कूल में जल जीवन मिशन के तहत आयोजित कार्यशाला में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने कही। धन्यवाद।